रमेश बैंक में काम करता था, लेकिन उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। अब रमेश बहुत टेंशन में रहने लगा। आस पड़ोस के लोग और उसके रिश्तेदार उसकी नौकरी जाने के बाद उससे सवाल जवाब करते। लोगों के सवालों का जवाब दे देकर रमेश पूरी तरह से टूट गया था। अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। रमेश मन ही मन अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों से बदला लेने की सोचने लगा। वह उन कर्मचारियों को सबक सिखाना चाहता था जिन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया। लेकिन वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि उन कर्मचारियों के साथ क्या हुआ। और फिर उसने बदला लेने के लिए इंटरनेट पर तरह तरह के आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किया कि किसी की हत्या कैसे की जाए। और इस तरह से उसने एक आर्टिकल देखा जिसमें लिखा था कि ब्लैक मैजिक से किसी की भी जान ली जा सकती है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं मिलता कि ब्लैक मैजिक के कारण ही व्यक्ति की मौत हुई है। रमेश को यह आर्टिकल पसंद आया। अब उसने ठान लिया कि इन कर्मचारियों को कैसे सबक सिखाना है। लेकिन रमेश काला जादू नहीं जानता था। उसने सोचा क्यों ना किसी तांत्रिक से मदद ली जाए। और फिर वह एक अच्छे तांत्रिक की तलाश करने लगा। कभी वह मंदिर जाता तो कभी शमशान। कुछ दिनों तक यूं ही भटकने के बाद उसने फैसला किया कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर रमेश मार्केट से तंत्र मंत्र की कुछ किताबें ले आया और उन्हें पढ़कर तंत्र मंत्र सीखने लगा। लेकिन उसे पता था कि बिना गुरु के यह सब करना खतरे से खाली नहीं है। और फिर रमेश ने फैसला किया कि क्यों ना हरिद्वार चलकर किसी अच्छे गुरु की तलाश की जाए जो उसे काला जादू सिखा सके। अगले दिन रमेश ने अपना सामान पैक किया और हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। हरिद्वार पहुंचने के बाद रमेश हरिद्वार के घाट पर गया। वहां जाने के बाद उसने कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ कोई अच्छा तांत्रिक या गोरी कहाँ मिलेगा। तब एक व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब, इस तरह से आप भटकते रहोगे तो आपको कोई भी पाखंडी ढूंढ लेगा। अगर आप एक सच्चा गोरी ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। वहां पर एक शमशान मिलेगा जहाँ कुछ अघोरी रहते हैं, लेकिन वह अघोरी अपने आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वह आपसे बात कर लेंगे, नहीं तो वह आपको भगा देंगे। लेकिन रमेश ने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे अघोरी को गुरु बनाना ही है। और फिर रमेश उत्तर की ओर चल दिया। हरिद्वार से 5 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद उसे एक कच्चा शमशान नजर आया जहां लोग मरे हुए व्यक्ति की लाश को चिता पर जलता हुआ छोड़ जाते हैं या फिर गंगा नदी में बहा देते हैं। यह मंजर बहुत ही भयानक लग रहा था और इसके पास ही कुछ कच्चे मकान नजर आ रहे थे। अब रमेश समझ चुका था कि यही वह घर है जहां उसे वह अघोरी मिलेंगे। शाम के 7 बज चुके थे। रमेश अब घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा अचानक से उसके सामने एक अघोरी आकर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर पर चिता की भस्म लगा रखी थी और बड़ी बड़ी जटाएं और शरीर पर सिर्फ लंगोट के अलावा और कुछ नहीं था। अभी रमेश अघोरी को देख ही रहा था कि अघोरी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना यहाँ आम लोगों का आना मना है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब रमेश ने हाथ जोड़कर अघोरी से प्रार्थना की, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अघोरी ने कहा, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, चले जाओ यहाँ से। लेकिन रमेश भी कहाँ मानने वाला था। उसने अघोरी के पांव पकड़ लिए और विनती करने लगा,
महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तब अघोरी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। रमेश ने कहा, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? तब अघोरी ने कहा, अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है तो सबसे पहले अपने वस्त्र और अपने बाल त्यागने पड़ेंगे, और मैं जो भी कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम्हें मुर्दों का मांस भी खाना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगे यह सब? अगर यह सब तुम कर पाते हो तभी मेरे शिष्य बन पाओगे, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। रमेश ने कहा, महाराज आप जैसा भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अघोरी ने कहा, ठीक है। और फिर रमेश ने अपना सर मुंडवा कर अपने सभी कपड़े गंगा नदी में बहा दिए। और उसके बाद रात 12 बजे अघोरी ने कहा, अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रमेश ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब मैं तैयार हूँ। अघोरी ने एक मुर्दे शरीर का हाथ काट कर रमेश के सामने रख दिया और कहा, अब इसे खाओ। रमेश के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। रमेश ने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं किया था, लेकिन उसे काला जादू सीखना था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद की और उस हाथ को खाने लगा, और थोड़ी ही देर में वह हाथ को खा गया। अब अघोरी ने कहा, कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, तुम्हें किसी भी क्रिया को करते समय डरना नहीं है, अगर तुम डरे तो समझो मरे। दूसरी बात, अब तुम हम लोगों की तरह नहीं रह सकते। तीसरी बात, कभी भी इस शक्ति का प्रयोग किसी मासूम पर नहीं करोगे। रमेश ने कहा, जी गुरुदेव। और इसके बाद रमेश की दीक्षा शुरू हो गई। अब रमेश अपने गुरु से तरह तरह के जादू टोने सीखने लगा, और बड़ी ही तेजी के साथ उसने बहुत कुछ सीख लिया। 3 महीने बाद अघोरी ने कहा, तुमने बहुत ही अच्छा सीखा और बहुत ही जल्द सीखा, तुम मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य बन गए हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या सिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग सीख पाते हैं, लेकिन इस विद्या का कभी भी गलत उपयोग मत करना। और फिर अघोरी ने रमेश को मारण मंत्र सिखाया, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की जान ली जा सकती है। मारण मंत्र को मूठ मारना भी कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक और अचूक विद्या होती है। इस विद्या द्वारा किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता, और सामने वाले की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद रमेश ने यह विद्या भी सीख ली। अब अघोरी ने कहा, शिष्य, मैंने तुम्हें अपनी सारी विद्याएं सिखा दी है, अब तुम मुक्त हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इन शक्तियों का प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए कभी मत करना। यह कहकर अघोरी ने रमेश को वापस अपने घर जाने के लिए कहा, और फिर रमेश वापस अपने घर पहुंच गया। अब रमेश ने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। एक सुबह रमेश अपने पुराने बैग गया, और वहां जाकर उसने सभी कर्मचारियों से बड़े ही प्रेम से बात की, और सभी की कुछ ना कुछ इस्तेमाल की गई वस्तुओं को ले लिया। अब रमेश को अमावस्या का इंतजार था, क्योंकि अब उससे जो क्रिया करनी थी वह अमावस के दिन ही की जा सकती थी, और 15 दिन बाद अमावस की काली रात आ ही गई। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कमेंट करके बताएं। 20 कमेंट आने के बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।